आज बानिय पाकिस्तान का छहत्तरवा योम वफात है और जब वो इस दुनिया से जा रहे थे तब भी हमारे हालात कुछ इसी तरह के थे आज तकरीबन छिहत्तर साल बाद हालात उसी तरह के हैं और किस तरह के हैं कि एक सूबाई असम्बली पाकिस्तान के एक अदारे के कुछ अफसरान के खिलाफ करारदाद मंजूर कर रही है अपने सियासी एजेंडे की तकमील के लिए और वो सियासी एजेंडा क्या है ये एक काबिल गौर बात है और उस सियासी एजेंडे की तरवीज या उस सियासी एजेंडे को बढ़ावा देने के लिए एक इसराइली अखबार जो है वो मुसलसल बल्कि दूसरा अखबार लें आके पहले जो था वो न्यूय सॉरी टाइम्स ऑफ इसराइल और आज जो है बल्कि कल की तारीख में ये यरूशलेम टाइम जो है उसने यरूशलेम पोस्ट इसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मामला हैं उसके ऊपर प्रोपोगंडा कर रहा है एहताज कर रहा है वन साइडेड जो स्टोरी चला रहा है पाकिस्तान की रियासत रियाती इदारों का जो मौक़ था आठ सितंबर के जलसे के ऊपर और फिर उसके बाद जो वाक्यात हुए हैं उनके ऊपर वो रिपोर्ट नहीं कर रहा ये क्या मामला है इस पर गौर करने की ज़रूरत है जबकि पाकिस्तान की पार्लियामेंट वो ज़िम्मेदारी का मुजाहरा कर रही है स्पीकर कौमी असम्बली जनाब एस सदक साहब एक कमेटी तशकील दे रहे हैं जो पार्लियामेंट की जो सेंटिटी है और जो दीगर मसाइल हैं उनके हल के लिए मिल के चलने की का रास्ता तलाश कर रहे हैं और पार्लियामेंट में पाकिस्तान तहरीक साफ का रद्द या तर्ज अमल कुछ और होता है और पार्लियामेंट से बाहर निकल के उनके बयान तब्दील हो जाते हैं जिस तरह आ, अली अमीन गंडापुर साहब के ख़िताब के ऊपर जो बेरिस्टर गौर हैं वो उन्होंने सहाफ़ियों से माजरत की थी लेकिन कल उन्होंने यूट्रल ले लिया इसी तरह असद कैसर साहब जो हैं वो स्पीकर के मामलत या स्पीकर के जो की जो एफर्ट है वो उसके ऊपर जो है वो यूटर्न ले रहे हैं तो ये क्या सियासत है और ये सियासत जा रुकेगी कहाँ पे पाकिस्तान तहरीक को करार कब आएगा चैन कब आएगा वो कौमी इशूज़ के ऊपर एक मुहब सियासी जमात की तरह किस तरह बिहेव करेगी और कब करेगी इस पर गुफ करने के लिए सईचोई साहब को हमने तकलीफ दी है उनके साथ नूरला साहब तशरीफ़ रखते हैं और हल्कीम साहब आप तीनों रात का बड़ा शुक्रिया चोई साहब ये महज इतफ़ाक़ है कि पहले जो था वो एक मजमून छपता है इस जो है टाइम्स ऑफ इसराइल में और उसमें सबसे मौजू जो शख्सियत है पाकिस्तान के अंदर जो और वो उनका क्लेम है कि वो बड़े पॉपुलर हैं और किसी हद तक दुरुस्त बात है बहरहाल वो एक सियासी जमात को लीड तो कर रहे हैं तो ये बड़े मौजू आदमी हैं बानी तहरीक के इंसाफ जो है इनको इसराइल को सपोर्ट करना चाहिए पहले ये बात हुई और फिर आठ सितम्बर के जलसे के ऊपर जो कुछ हुआ उसके बाद जो गिरफ्तारियां हुई अली बीन गंडापुर साहब जो थे वो आठ या नौ घंटे कहीं आगे पीछे हुए उसको जो यरूशलेम पोस्ट है वो वन साइडेड रिपोर्ट कर रहा है जी जी तो ये आ, कुमक जो है वो इस पर क्या कहेंगे आप ये देखिए इसराइल ने आलमी फोरम पर कभी पाकिस्तान के अंदरूनी या सियासी मामला पे आज तक बात नहीं की ये पहला मौका है जब यू एन में उन्होंने ये जो पी टी आई के हवाले से और फिर उसको पा इनकी शरपसंदी की वो कह रहे आपके तारीफ कर रहे हैं या इनकी शरपसंदी को तफ़ दे रहे हैं गुफ्तू में और हुक इंसानी के हवाले से एक सवाल उठा रहे हैं पहली मरतबा ये हुआ और दूसरा जो आपने जो उसमें छपा था टाइम्स ऑफ इसराइल उसमें उन्होंने बहुत वादे तौर पे ये बात लिखी थी कि ये जो बानी पीटियाई हैं इनका नजरिया जो है ये इसलिए बदला है कि इनके जैक गोल्ड स्मिथ और जमा गोल्ड स्मिथ ये लिखा उन्होंने जी जी और उन्होंने फिर ये कि उनके साथ जब इनके गुफ्त होती है या तलकात है उस वजह से इसराइल के हवाले से ये पाकिस्तानियों से मुख्तलफ़ हैं और उनका इन ये आवाम को दिखावे के लिए तो ये करते रहते हैं फलस्ती सख्त बयान देते रहते हैं लेकिन अंदर खाते ये तोजन बरकरार रखने की कोशिश करते हैं बकौल उनके और कहते हैं ये बेहतरीन आदमी है हमारे लिए पाकिस्तान और उनके नज़दीक अच्छा एक फिर उन्होंने ये भी कहा था कि रबता कारी ये पैगाम भेजते रहे रिपोर्ट्स के मुताबिक वो लिखते हैं कि रिपोर्ट्स के मुताबिक ये फैमिली के जरिए जो कि इसराइल के बहुत करीब है हुँ, हुँ, ये पैगाम भी भेजते रहे हैं बेहतर अब ये जो आपने बात की है जो ताजा तरीन खबर छपी है ये पोस्ट पोस्ट में अच्छा उसमें जो हैडिंग है ना वही देख लें तो आपको पता चल जाएगा कि वो क्या है उसकी हेडिंग जो है वो ये कह रही है कि जनाब जो लॉ मेकर्स है ना किस जमात के अपोजिशन के नहीं लिखा हुआ सही वहां इनका नाम लिख कर लिखा हुआ है कि इनकी जमात के ला मेकर जेल भेज दिया गया पकड़ लिया गया ये खबर अब जैसे ये हमारे नहीं होता जनाब फलाने मुंडे दी टीम ठीक है ना यानी वो कहते साडा पंजाबी में कहें साडे मुंडे दे देकर ने वो फटे जा रहे ने ठीक है ठीक है मैं उससे तासर है। अगर सुर्खी जो है उसे यूरफ फिल्म पोस्ट की आप दिखा सकते हैं तो वो सुर्खी जी तासर मिलता है और वो राइटर्स की रिपोर्ट है लेकिन उसमें सारा कुछ जकतरफा है ठीक है वो ना उसमें ये बताया गया है कि इन्होंने क्या शर्पसंदी की कानून की खिलाफवर्जी की एन की खिलाफवर्जी की और फिर वहाँ जो नबुलजा इख्तियार किया गया वहाँ आइन को ना मानने की बातें की गई उस जिलसे में ठीक है और फिर जो मुकदमात दर्ज हुए हैं जिनमें ये गिरफ्तारियाँ हो रही हैं वो तो दहशत गर्दी के दफात के तहत दर्ज मुकदमत हैं कुछ ये मसल होके गए हैं नोकदार पत्थरों के साथ हमलावर हुए हैं सत्रह के करीब लोग तो मौका पर गिरफ्तार हो गए थे सही और वो जो रूट है जिसका मुहदा हुआ था किस रूट की पासदारी करने ये छ किलोमीटर दूर है वो जो छब्बीस नंबर चुंगी या पुल जो है वो जलसे से आठ किलोमीटर मेरा ख्याल दूर है सही। इस्लामाबाद तो की तरफ यानी वो जो लगाए गए थे कंटेनर की बात कर रहे हैं वो कंटेनर लगाए गए थे दूसरी तरफ जाने का रास्ता रोका हुआ था उस तरफ से आने वाला रास्ता तो खुला था हाँ, हाँ, सही। ये उधर क्या करने जा रहे थे और फिर कंटेनर्स इन्होंने बाकायदा हटाए उसकी फुटेज मौजूद है और वो जो है वो एक स्टोरी ना पुलिस का मौकफ ना पाकिस्तान के कानून और आइन की जो खिलाफ उसका मौका मतलब वन साइडेड जर्नलिज्म और जो सुर्खी है ना साथ जेनलिस्ञें। जेनलिस्ञें। वन साथ वन साथ दो स्टोरी, के उपर, की तरफ से, अच्छा इस्राइली ये स्टोरी नहीं है आप बानी तहरीक इंसाफ का माजी देखें तो पाकिस्तान से दुश्मनी रखने वाले ग्रोहों या ग्रुप या अफराद के साथ उनके जो ताल्लुक या उनकी जो मोहब्बत बानी तहरीक इंसाफ के लिए छलकती है वो हमें इससे पहले भी नज़र आई है तालिबान ने पाकिस्तान में अपने नुमाइंदे मुकर करने की जब बात की तो वो बानी तहरीक इंसाफ को अपना नुमाइंदा बनाना चाहते थे और अब इसराइल को ये भी कहते थे कि दफ्तर खोलें यहाँ पे ये ये उनके लिए दफ्तर खोलना चाहते थे लॉन्ग मार्च भी कर अच्छा अब इसराइल को पाकिस्तान में अगर कोई सूटेबल बंदा नज़र आ रहा है एक ऐसा फर्ज जो उनके हकूक का या उनके मफादात का तहफ़ कर सकता है या उनके लिए मामला बेहतर कर सकता है तो वो उन्हें बानी तहरीक इंसाफ नज़र आ रहे हैं ठीक है तो वो जो सईद चौधरी साहब फरमा रहे हैं कि साडा मुंडा तो वो ये बातें बड़ी वाजे हैं और अच्छा माजी में भी इस तरह से बातें होती रही हैं लेकिन उसको लोग लाइटर उस साइड पर ले लेते थे, थे उसमें ज़ाहिर सियासी जमातों पर लगता है कि उनके खिलाफ इस तरह की बातें हो जाती हैं सियासी रहनुमाओं के लेकिन पी टी आई ने अपने आप को सियासी जमात साबित नहीं किया उन्हें पॉपुलरिटी मिली उन्हें वोट भी मिले लोग भी उनके साथ थे लेकिन उन्होंने अपनी शरपसंदी की जो रिवायात बरकरार रखी मुसलसल पाकिस्तान के मफात के खिलाफ काम किया लोगों को इंतशार पर उकसाया लोगों को बगावत पर उकसाया लोगों लोगों को सिविल नाफ़रमानी की तहरीक की तरफ ले जाने की कोशिश की बाकायदा बगावत नौ मई के वाक़त जो हैं वो एक बायदा बगावत के ज़मरे में आते हैं तो ये सारी चीज़ें होने के बाद अब इसराइल की तरफ से यके बाद दिगरे ये जो जिस तरह से कमेंट्स आ रहे हैं जिस तरह से वहाँ पे तशहर हो रही है वो साबित कर रही है कि उन लोगों को अब बानी तहरीक इंसाफ़ की फ़िक्र है कि वो उनके मफाद पूरे करने के लिए मुश्किल का शिकार है वो उस नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें कानूनी मुकदमा का सामना है तो और ये जो ताज़ा तरीन वाक़ात हुए हैं जलसे वाले मतलब वो हेट स्पीच की दुनिया के किस हिस्से में इजाज़त मिल सकती है कि वायलेंस की किस दुनिया के किस हिस्से में इजाज़त मिल सकती है वहां पे जो इंसानी हकूक़ के चैंपियन बनते हैं जहां पर इंसानी हकूक़ की बातें होती है और जो दीगर ममालिक को भी दर्ज देते हैं वहां पर भी ये मुमकिन नहीं है कि कोई शख्स खड़ा होकर यह कहे कि हम जाके जेल से छुड़वा लेंगे यानी मतलब हम वो लोगों को उकसा रहे हैं कि लोग आए इकट्ठे हों जुलूस निकालें एक जत्था बनाएं और जाकर जेल पर हमला कर दें तो दुनिया के किसी महजब मुल्क में ऐसा मुमकिन नहीं है लेकिन यहां पर इन सारी बातों को इंसानी हकूक का हवाला देकर पार्लियामेंटेरियंस का, का देकर दे देकर जी जमहूरियत का जमहूरियत जमूरियत नहीं है, ये ये जुमुरियत, है और इसके लिए दुनिया भर में जिस तरह से कानून के साथ सख्ती से निपटा जाता है उसी तरह से पाकिस्तान में होना चाहिए बड़ी ये अगर आप थोड़ी क्योंकि अब तो जो है वो यूट्यूब के ऊपर सारी चीजें पड़ी हुई है तो वो जो हजरत गूगल साहब हैं, वो तो हर चीज हर बंदे को आ, करके रख देते हैं। अगर आप, है। अगर आप गैर से देखना चाहें यही जमात थी यही लीडरान थे यही बानी थे जो पाकिस्तान की रियासत की सेंटिटी की, पाकिस्तान की फौज के खिलाफ कोई बात कैसे कर सकता है ये खुद बातें किया करते थे तो बरा लबन की मर्जी है कि हम तो ये कहते हैं ये भी होना चाहिए इसलिए के ऐसे लोग जिनके खिलाफ अगर पुलिस में मुकदमा हो गए हैं हाँ, अगर पार्लियामेंट के इजलास का टाइम है तो उस पर बात की जा सकती है लेकिन आधी रात को सिर्फ शेल्टर लेके अंदर अच्छा, जो, जो जिस तरह गिरफ्तारियां हम जाहिर है कि अगर पार्लियामेंटेरियन स्पीकर साहब उसकी कोई भी नहीं हो गया जैसा भी था मामला लेकिन उसके बावजूद जो है वो इनके मामला आप देख रहे हैं कि किस तरह किस तरफ चीजों को लेके जा रहे हैं तो आ, सर ये चोई जो खबर है इसराइल के दो अखबार तो में जो कुछ चल रहा है ये भेद खुल नहीं रहा कि असल में चल क्या रहा है पाकिस्तान में ये कोई प्रॉक्सी है किसी की क्योंकि वजीर अजम भी कह चुके हैं कि बेसिकली तो सी पैक का रास्ता रोकना है कि ये पाकिस्तान के खिलाफ रियासत के खिलाफ जो है एक सादिश का ही एक हिस्सा है कि बैन अवी सतह पर यहूदी लबी पाकिस्तान के खिलाफ सरगर्म है पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ सरगर्म है और जो इसराइली मीडिया है आ, वो किस तरह आ, जो है बानी पी टी आई और उनकी पार्टी की हमायत में बैन अवी सतह पर जो है वो मतहरक हो चुका है आज अगर इसराइली मीडिया को आ, पी टी आई के अरकान की गिरफ्तारी की आ, ख़बरें देना याद हैं लेकिन उनको ये याद नहीं जब आ, आ, मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ़ को गिरफ़्तार किया गया जब सदर पाकिस्तान आसफ अली जरदारी को गिरफ़्तार किया गया जब मोहतरमा फ़रियाल तालपुर को आ, जो है वो आ, रात बारह बजे के बाद उनको अस्पताल आस, से जो है जेल मुंतकल किया गया और मरीम नवाज़ साहेबा वजी अल्लाह पंजाब को उनके वालद मुख्तरम के सामने आ जो है वो आ उनको गिरफ्तार किया गया तो उस वक्त तो कभी इसराइल के मीडिया में इस तरह की पाकिस्तान के हवाले से आ, ख़बरों को कभी कोई जगह नहीं मिलती थी और इस वक्त क्या हो गया आके कि जो मामूली मामला हैं मकामी मामला हैं जो गिरफ्तारियाँ आम अरकान की जो गिरफ्तारियाँ हैं वो ख़बरें भी जो हैं वो इसराइली मीडिया में नुमाया तौर पर जो हैं वो शाया हो रही हैं आपको याद होगा कि इससे पहले जब अमरीकी कांग्रेस में कर्दादा जो है वो पास हुई तो उसमें भी जो इसराइली लाबी थी यहूदी लाब यहीं से हम गुफ्तू का आगाज करेंगे एक छोटा सा वक्फा लेना है अगर आप इजाजत दे तो एक छोटा सा वक्फा लेते हैं यहीं से आके गुफ्तू को कंटिन्यू करेंगे एक छोटा सा पे लगेगी सच की जरूरत हमेशा की तरह हम ला रहे हैं आपके लिए الله اكبر الله اكبر أشهد

बिन मुगफल रजी अल्लाह तुमों से रिवायत है थे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दो की आग से बचो सदका देकर वो खजूर का एक टुकड़ा ही क्यों ना हो फिर खुश आमद वो एक कहावत है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त और ये अभी हम थोड़ी देर पहले गुफ्तगु कर रहे थे कि जो इसराइली अखबार हैं ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बेजा हमायत क्यों कर रहे हैं और कल जो के पी असम्बली है उसने एक क्रारदादा मंजूर की है जो चीज़ों को और ज़्यादा वाज़ करती है और वो करारदाद ये है कि जी एक तो हम पाकिस्तान की फौज की लाजवाल कुर्बानियों का जो है वो उसका खैर मकदम करते हैं अप्रिशिएट करते हैं लेकिन दूसरा ये कि फौज के कुछ अफसरान जो हैं वो सियासत में मुलवस हैं उनका कोर्ट मार्शल करना चाहिए पकड़ के उनको और अगर ये काम नहीं, नहीं।, 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 नहीं किया गया जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग गिरफ्तार हैं जिन्होंने किया उनके खिलाफ भी एक्शन हो और छोड़ा जाए उनको और अगर इनका तदारुक ना किया गया या कोर्ट मार्शल ना किया गया तो जो जिम्मेदारान हैं, वो इसकी मतलब जिम्मेदारी वैसे ही बंदे को आता है मैंने इस तरह की पहले कभी कोई करारदा किसी से नहीं सुनी नहीं। तो चोही साहब ये तो सियासत में मुलस होने की चंद अफसरों की बात की जा रही है फौज ने तो जनरल बाजवा साहब ने जाते हुए भी और उसके बाद डी जी एस पी आर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में शुरू जमाना की थी गालबन चौदह अप्रैल दो हजार इक्कीस को जहां तक मुझे याद पड़ता है तो उसमें उन्होंने बड़ा खुल के कहा था कि जी के ये अब काम जो है इस तरह से नहीं होंगे पाकिस्तान की फौज मुकम्मल गैर सियासी ए पोलिटिकल एग्जैक्ट अल्फाज थे ए पोलिटिकल तो कौन किन की तरफ इशारा कर रहे हैं ये ये देखिए ये बड़े जिबो गरीब वही तो नहीं जिनको कहते हैं कि हमने مذاکرات करने ہیں جی ہاں وہی اسی یہ तो फिर ये तो इनकी इनकी तो बड़ी, बड़ी जिबो पॉलिसी है कि जनाब पूरी फौज जो है उसकी तारीफ और और चंद एक लोगों को टारगेट किया हुआ इन्होंने और सुन अगर आप देखें गौर करें तो आ, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया हाँ ये तो पूरी फौज को नहीं 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 मैं इन लोगों की बात कर रहा हूँ जो इनकी क्यात है ठीक और जो ये करारदाद दे आए हैं जो इनकी जेल में बैठी हुई की है जिसको बानी पीटीआई कहते हैं वो जब पहली मरतबा ये इनके दौर में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और ये कहा गया कि जनाब हम गैर जानबदार हैं तो गैर जानबदार पूरी फौज तो गैर जानबदार है ही वो तो जो क्यादत है अल क्यादत उसके हवाले से कहा जाता है ना या किसी की ये हमायत कर रहे हैं किसी सियासी जमात की या किसी की मुखालफत कर रहे हैं ठीक है वहाँ तो एक चेन ऑफ कमान होती है कमान के तहत काम हो रहा था तो वहाँ उस वक्त कह रहे थे जनाब ये आप न्यूट्रल कैसे हो सकते हैं हाँ। और उसके लिए उन्होंने बड़े अजीब वरीब न्यूट्रल तो जनाब बड़े बड़े जानवर होता आ, हाँ। है और क्या होता है क्या नहीं होता उसमें मज़बी

उन्होंने खुद साख्ख्त नैक बनाया हुआ जाकर पता नहीं रिपोर्ट देते हैं या क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं किन से मिलते हैं अब कह रहे हैं जना फाटा के मामलाते हैं अमन अमा अमा की सूरत थी आप वो फाकी हुकूमत के साथ कर रहे हैं या किसके साथ कर रहे हैं क्या आप चंद लोगों से मिल रहे हैं वो लोग सियासी हैं जिनके साथ आप मिलने जाते हैं और वो जो जेल में बैठा हुआ शख्स है वो ये कहता है कि जनाब छः बंदों का छः बंदों को मैंने ये इख्तियार दिया था कि आप इस्टेब्लिशमेंट के साथ यानी फ़ौज के साथ अच्छा दरवाजा बंद कर अच्छा, दिया ये पहले भी कह चुके हुए। आ, मैं तो मुझे भी मुझे भी कोई आ, शौक नहीं है बात करने का अब फिर ये कह रहे हैं तो मैं तो ये कहता हूँ ये दरवाजा में मैंने बंद कर दिया अंदर से कुंडी लगा लिए

वो किसी से मिलना चाहे या उनसे कोई मिलना चाहे लोगों से, मिल मिलनों से मैं तो आपको तो जनाब वो कटेसी कॉल मारे पिछले पिछले आर्मी थे, उनको भी ये इनका इकतार जा चुका हुआ था जब इन्होंने पेशकश की है वहां जाके जी जी जनाया लेकिन हम तो आज करंट बात कर रहे हैं ना इनका तो आज मुतालबा है ना ये वाला सर आपसे याद होगा आरफ अबीब साहब उन्होंने ये बात शायद वजीर की मौजूदगी में कही थी वो कोई आ, मुलाकात थी ता, ताजनों की के। मैंने आर्मी चीफ से भी कहा था और आर्मी चीफ ने कहा था कि हमारा काम नहीं है तो बेसिकली तो सियासत में मुदाखलत का दो टोक और बड़ा जिसको कहते हुँ, क्लियर कट क्लियर कट लाउड एंड क्लियर मैसेज पब्लिकली भी वो दिया जा रहा है ये पैगाम तो आर्मी की तरफ से वाजे और यही चीज बानी तहरीक इंसाफ की फ्रस्ट्रेशन जिसकी वजह से नजर आती है कि वो बार बार जब ये कहते हैं कि मैं तो इंतजार में बैठा हूं मुझसे कोई बात ही नहीं कर रहा और जब वो बात नहीं होती तो फिर उसके बाद कहते हैं अच्छा ठीक है आपकी नहीं मर्जी आपने नहीं बात करनी तो ना करें <स्थाथ> उन्हें कोई जवाब नहीं मिल रहा बल्कि वैसे तो उन्हें जवाब मिल चुका हुआ है <स्थाथ> उन्हें जब कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो फिर उसके बाद वो अब उन्होंने ताजा उम्मीद बांधते हैं और फिर उसको वो तोड़ देते हैं अच्छा आप जो बात अभी फरमा रहे थे कि आपने ऐसी करारदाद कभी नहीं देखी मसला यह कि आपने ऐसी सियासी जमात भी शायद कभी नहीं देखी होगी जो सियासत को बुरा समझती है एक ऐसी सियासी जमात आपने नहीं देखी होगी जो पार्लियामेंट को बुरा समझती है आपने एक जमारे का लीडर नहीं देखा जो पब्लिक में खड़ा होकर लोगों को कह रहा हो की आप पाकिस्तान से बाहर जो लोग हैं वो कानूनी तरीके से बैंक से पैसे भिजवाने के बजाय हुंडी के जरिए पैसे भिजवाए आपने ऐसा सियासी लीडर नहीं देखा होगा कि जो बिजली के बिल जलाकर लोगों को सिवल नाफरमानी की तहरीक की तरफ बुलाने की कोशिश कर रहा हो आपने ऐसी सियासी जमात नहीं देखी होगी जो रेड लाइन जो है मुल्क को मुल्क मफादात की बजाय एक शख्स को डिक्लेयर करती हो और ये कहती हो कि अगर ये शख्स नहीं है तो फिर पाकिस्तान भी नहीं नाउ बिलास्ता मतलब क्या समझते हैं वो कि एक शख्स की वजह से वो हर चीज़ को तबाह बर्बाद करने पर तुले हुए हैं आपने मतलब वो पाकिस्तान से उनको कोई गर्ज नहीं है पाकिस्तान सिर्फ उनके लिए एक इकतदार के हसूल का तरीके कार है कि हमने इसको इकतदार हासिल करना है या यहाँ पर इंतजार फैलाना है और उन्होंने एक ऐसी सियासी जमात है जिन्होंने हुकूमत में होते हुए आई एम एफ से किए हुए माहिदों की खिलाफ वर्जी की एक ऐसी सियासी जमात है जो आपने पहले नहीं देखी होगी कि वो अपने वज्रा खजाना को सुबाई वज्रा खजाना को हिदायत दे रहे हैं कि आप पाकिस्तान के मफादात के साथ खतूत तो लिखें ये सारे आप उनकी जो ये सारी हरकतें आप देखते हैं आपको नजर आता है कि उनका ये एक वतीरा है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ चल रहे हैं तो है, ये ये है। एक एक खड़ा कर रहे हैं चूकी आपने उन्हें, उन्हें, उन्हें उन्हें है। नहीं रोका हमने उन्हें सर, उन किस रोकना किस तरह है अच्छा मैं चले ये भी आप अगली में बता दीजिएगा किस तरह रोकना है सर ये मामला जो है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पी असम्बली को इस तरह इस्तेमाल करके गवर्नर राज की तरफ नहीं लेके जा रहा देखिए एक तो मैं समझता हूँ कि ये जो ऑप्शन कर... जो करारदाद के पी असम्बली से पास की गई है इसको तो मैं समझता हूँ कि ये वैसे ही आइन पाकिस्तान के खिलाफ है गैर आनी करारदाद है क्योंकि आइन पाकिस्तान के तहत आ, जो पाकिस्तान की सलामती के अदारे हैं सिक्योरिटी अदारे हैं अदलिया है आ इनके खिलाफ जो है वो आ कोई बात जो है वो नहीं हो सकती और एक तरफ आप देखते हैं कि बानी पी टी आई और पी टी आई की क्यादत जो है वो एक तरफ तो मजाकर की बीक मांगते हैं बातचीत की बीक मांगते हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ सियासतदानों की बजाय और दूसरी तरफ जब कोई पेशर नहीं होती तो फिर अदारों को जो है और इस्टेब्लिशमेंट को टारगेट करते हैं तो इस तरह देखिए बदकिस्मती ये है कि इस वक्त आ, पी टी आई को भी जिन मुश्किल और मसाइल का सामना है आ, उसकी वजह यही है कि आ, पी टी आई ने पी टी आई की क्यादत ने आ, जो है वो सियासतदानों और सियासी अदारों पर अतमाद जो है अब वो नहीं किया और ख़ास तौर पर जो इनकार है उनका कि सियासतदानों से मुकर नहीं करेंगे इससे भी मैं समझता हूँ कि पी टी आई के लिए खुद भी मसाइल पैदा हो रहे हैं और इससे पाकिस्तान का जो सियासी माहौल है आ, उस पर भी फर्क पड़ रहा है इमरान साहब आपने देखा कि माजी में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में अठारह साल तक बदतरीन जो है वो तरीक की सियासी महाजराई रही बड़ा जो है वो एक दूसरे को टारगेट करते रहे लेकिन बेलाखिर दोनों जमातों ने मजाक किए बातचीत की और जब हाजराई अरूज पर होती थी उस वक्त भी मजाक की विंडो दोनों जमातों के दरमियान कभी बंद नहीं हुई थी और इस पर जो है हमने देखा कि नून लीग की तरफ से एक वक्त था कि साग डार साहब होते थे पीपल्स पार्टी की तरफ से रजा रबानी होते थे और फिर इन मजाक और बातचीत के नतीजे में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी बना उस चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पर 80 तक अमल हुआ और देखिए कि अब जो 20 फीसद रह चुका था वो अब होने जा रहा है उसकी तैयारियां हो रही हैं आईनी कोर्ट के हवाले से बातचीत चल रही है और इसी तरह उन्नीसवी तरमीम के हवाले से जो है वो मामला तय होने जा रहे हैं और इस वक्त मैं समझता हूं कि 100 फीसद जो है चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पर अमल होगा उसके बाद देखिए कि सरदार एज सादक जो इस वक्त स्पीकर कौमी असम्बली है आ, पिछले दौर में नून लीग की तरफ से आ, वो पीपल्स पार्टी के साथ बात करते थे और पीपल्स पार्टी की तरफ से आ, जो खुर्शीद शाह हैं वो आ, जो हैं वो सहूलतकारी करते थे बातचीत करते थे आ, जिसके नतीजे में दोनों जमातें जो हैं वो हुकूमत में अपना हुकूमती करदार अदा करती थी जमात और दूसरी अपोजिशन

जलसा जलसा हुआ है, जलसा हुआ है वहाँ तो वो किसी भी जो गली का अगर कोई है वो भी ऐसा नहीं 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 कर सकता नहीं, ये तो भाई डिमांड तो होगा नहीं, अर सुने। और वो स, जो जेल में बैठे हुए साहब हैं जो आपने कहा ना ये, उसी को खुश करने के लिए वो कह रहे हैं ना मैं उसके पीछे खड़ा हूँ मैं साथ खड़ा हूँ और जो लोग उसमें माजरत खाना रवैया इख्तियार कर रहे हैं पीटीए के लोग या जिन्होंने माजरत की है जो खुतिन के हवाले से वहाँ बात हुई है बाकी कानून आयन की उन्होंने कहा आप नहीं मानते हम भी नहीं मानते बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आये पाकिस्तान के तहत जो और मुख्तल कवानीन के तहत काबिल गिरफ्त हैं लेकिन वो कह रहे हैं ना मैं करो जो नहीं मानता या वो डरपोक और बुजिल है जो माजरत कर रहा है इन बातों पर जब उनका लीडर ये बात करेगा तो बाहर जो लोग बैठे हुए हैं तो वो तो उससे दो कदम आगे बढ़ के कुछ कहेंगे ना फिर ही उनकी तो वो जो उनकी नज़र में कोई इज्जत होगी मेरा ख्याल है कि इस जमात में कोई ऐसा बंदा मुझे बाहर नजर नहीं आया एक तो जो इनके चेयरमैन है पी टी आई के गहर मरिस्टर गौहर वो मुझे काफ़ी हद तक किसी उनकी जो गुफ्तु है वो माकूल गुफ्तु होती है वो इधर उधर वो जै, जैसे ये लाइन क्रॉस कर जाते हैं उनमें है लेकिन उनकी शायद सुनता कोई नहीं जो अंदर, देखे ना अपोजिशन में और जमाते मौलाना फजल उन्होंने अपने दरवाजे कभी बंद किए किसी के लिए ये चले जाए हालांकि लकब है, कौन सा ऐसा है जो मौलाना फजर को नहीं दिया और ये कहते थे हाँ हाँ ये मुझे पता है आप सुनना चाहते हैं ये नाम सुनना चाहते हैं याद है आपको इस तरह का ये खिताब किया करते थे वजी आजम होते हुए अच्छा ए एन पी महमूद अचकई

एक ऐसे मुल्क से हमने कभी नहीं सुना था जिनके साथ आपके स्वार्थी सफारदी تعلقات ही नहीं हमने और और देखे नहीं पाकिस्तान की पार्लियामेंट का रवैया मजुमूनी तौर के ऊपर जो है वो कितना पॉजिटिव है और आ, असद कैसर साहब बाहर निकल के कह रहे हैं कि जी के हमें इस से को कोई नहीं तो है को स्पीकर से याद सादिक साहब ने तो क्या एक कदम आगे बढ़कर मैं वो बताता हूं वो चाहते क्या है जैसे अभी सईद चौधरी साहब फरमा रहे थे कि उनकी पार्टी में कोई नहीं पार्टी में जो लोग हैं जो मतदल मिजाज हैं या जो सेंसिबल बात करते हैं तो बानी तहरीक इंसाफ उनको धमकी दे देते दे हैं जैसे उन्होंने आज दिन धमकी दे दी कि वो बुजदिल है और उन्हें पार्टी में नहीं रहना चाहिए तो वो उस वजह से फिर दोबारा उसी लाइन पर आ जाते हैं फिर वो अली अमीन गंडापुर साहब वाली लाइन पर आ जाते हैं और उससे पहले जो बात हो रही थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान बड़ी महाज़ आ रही रही पंद्रह बीस साल सियासी जमातों में महाजाराई होती है अच्छा वो उनके लड़ाई झगड़े एक दूसरे के खिलाफ बात करना चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हो गई है मुस्बत चीज़ें भी आ गई हैं लेकिन उस दौरान में उनकी हुकूमतें बरतरफ हुई हैं उनके रहनुमाओं को सजाएं हुई हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहन जो है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब शहीद हो गई बड़े बड़े वाक़त हुए हैं लेकिन कभी भी उन्होंने मुल्क के खिलाफ बात नहीं की ठीक है तो पीटीआई टी जिन्हें कंधों पर बिठाकर उंगली पकड़कर बड़े प्यार मोहब्बत से लाकर कर इकतदार में बिठा दिया गया था वो पाकिस्तान के खिलाफ जब बात करते हैं पाकिस्तान के खिलाफ बात करते हैं जब बात करते हैं पाकिस्तान के मुफ़ादात के खिलाफ बात करते हैं वो यूएन में पहुंचे होते हैं पाकिस्तान के खिलाफ खतूत लिखने के लिए वो इंसानी हकूक़ की तंजीमों को ख़त लिख रहे हैं उनके तमाम लोगों को ज़मानतें मिल रही हैं उनके तमाम लोगों को सहूलतें मिल रही हैं उनके बानी जो है वो जेल में जलसे कर रहे हैं। और को चीफ और स्टाफ अपनी में कहते हैं कि सियासी इख्तलाफ को नफरत की हद तक नहीं लेके जाना चाहिए आठ सितंबर को जलसा होता है यानी वो जो पॉजिटिव जेस्चर दे रहे हैं कि एक कह लें कि कौमी मुफाद में तो उसका जवाब क्या मिलता है और फिर उस जवाब के जवाब में जो पार्लियामेंट है उसके पॉजिटिव रोल का क्या जवाब मिल रहा है ये बात जाके रुकेगी कहाँ देखिए कि आर्मी चीफ की तरफ से बड़ी मस्बत जो राय है आ पाकिस्तान के हवाले से पाकिस्तान की सियासत के हवाले से आ जो है वो की गई और एक मस्बत पगाम जो है आ वो आ दिया गया आ लेकिन उसके बाद जो फिर आठ सितंबर को जो इस्लामाबाद जलसे में जो ज़बान इस्तेमाल की गई वो वही ज़बान इस्तेमाल की गई जो नौ मई में ज़बान इस्तेमाल की गई और जो बानी पी टी आई ने उस वक्त जहन साजी की थी जो बानी पी टी आई उस वक्त चाहते थे नौ मई में उसी तरह की ज़बान जो है आ वो इस्लामाबाद जलसे में जो है वो इस्तेमाल की गई और ख़ास तौर पर जो वजीर अल के पी के हैं उनकी तरफ से जिस तरह सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ सियासतदानों के खिलाफ पाकिस्तान की सलामती के अदारों के खिलाफ अदलिया के खिलाफ आज जो ज़बान इस्तेमाल की गई उसकी हर सतह पर जो है वो मज़म्मत की गई लेकिन सिर्फ बानी पी टी आई अब वहाँ शख्सियतें जिन की तरफ से उनको ये जबान बाजारी जबान जो है वो इस्तेमाल करने पर आ, उनकी तयद की गई और जे जिनकी तरफ से मुखालफत की गई माफी मांगी गई उनके बारे में कहा जो जो आप पार्टी में हालात हैं वो तो अबतर से अबतर होते जा रहे हैं अल्लाह ताला पाकिस्तान की खैर रखी इनशाला अगले पीर को आपकी खिदमत में जिंदगी रही तो दोबारा हाजिर होंगे